नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नजर। अपने राजनीतिक फायदे के लिए जाति विशेष के आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 82% तक आरक्षण पहुंच गया है, जिसके चलते प्रदेश में योग्यता का भारी हनन हो रहा है। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को विशेष कर इसके नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपने मूल शिक्षा के अधिकार से वंचित होने के साथ ही राज्य सरकार की नौकरियों में भी सामान्य वर्ग और यहाँ तक कि ओबीसी और गरीब तबके के असली हकदार आरक्षित वर्ग के लिए भी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था कोई लाभदायक नहीं रह गई है। इसलिए न सिर्फ मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को 50% तक सीमित कर देना चाहिए, बल्कि आरक्षण की नीतियों में पुनः आवश्यकता के अनुरूप मंथन किया जाना चाहिए, ताकि वंचित समाज के असली हकदार, जिन्हें आरक्षण का लाभ कभी नहीं मिल पाया है, उनके जीवन में आरक्षण नीति से बदलाव लाया जा सके। ऐसी मांग करते हुए गोंदिया में सवर्ण समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आरक्षण विरोधी रैली में शामिल होकर अपनी व्यथा और अपनी आवाज बुलंद की। Thank you.